करेंसी पर बापू की फोटो, लाल किले पे तिरंगा, सड़क पे भारत माता की जय और स्कूल में विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, क्या इतनी आज़ादी काफ़ी है? क्या सिर्फ इतनी सी आज़ादी के लिए वह जनेऊधारी कंबनी बाग में अकेले ब्रिटिश फौज से लड़ गया था और वह 23 साल का सरदार रंग दे बसंती गा के फांसी चढ़ गया था? क्या सिर्फ डेढ़ गज कपड़े के लिए नेताजी ने हिटलर को मात दिखाई थी और बापू ने सिर्फ नोट में छपने के लिए सीने में गोली खाई थी? बहुत आंसू बहा लिए वीर गाथाओं पर, बहुत मेले लगा दिए शहीदों के चिताओं पर, अब जरा आगे बढ़ना होगा, वी द पीपल वाला पन्ना दोबारा पढ़ना होगा और समझना होगा, जहां आज़ादी का मतलब सिर्फ फ्रीडम लिखा है वह सारे शब्दकोश व्यर्थ हैं। इस देश में आज़ादी के एक या दो नहीं, 135 करोड़ अर्थ हैं। आज़ादी वह है जो अपना सपनों के दरख्त को फलने से डरे और ना टूटी हुई चपले डिजाइनर जूतों के साथ चलने से। आज़ादी वो है जो झुके हुए सरों का मुकद्दर बदल जाए और खोलियों के दिल से हवेली का डर निकल जाए। आज़ादी वो है जब हौसले की चिड़िया बाधाओं की पिंजरा तोड़ दे और का खा गा ABC से डरना छोड़ दे। आज़ादी वो है जब अमन की गीत गाते हुए गले से लहू ना आए और अंगूदों की मौसम में बारूदों की बू ना आए। कब तक इतिहास पर जमी धूल माथे पर लगाते रहेंगे? अमर जवान ज्योति को जलाए रखना है तो उसके जड़ों में नया ईंधन भरना होगा। 47 का सब्सक्रिप्शन 21 में रिन्यू करना होगा। बेखौफ जीना हमारा हक है और इस हक बुनियादी है। घबराओ नहीं, बढ़ते रहो, बस अगले मोड़ पर थोड़ा सा आगे आज़ादी है।